साउथईस्ट न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दर्शकों, आपको बताते चलें कि पूरे भारतवर्ष में अभी लॉकडाउन 3.0 जो चल रहा है, सारे लोग उसका बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं और इसी सब पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कमल सिंह जम्वाल, जो कि छन्नी रामा वार्ड नंबर 49 से ताल्लुकात रखते हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी वार्ड में इस समय इनको क्या समस्या आ रही है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। नमस्कार जी। पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके हमें कॉल किया है और ये जानकारी हासिल करने की कोशिश की है कि वार्ड नंबर 49 की क्या क्या परेशानियां हैं। तो मैं एक तो ये कहता हूं कि ये जो COVID-19 है, जिसके लिए पूरे भारतवर्ष में जो है लॉकडाउन चल रहा है, उसका पालन जो है हम लोग बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं और जिसका रिजल्ट जो है वो हमें ग्राउंड पे भी मिल रहा है, ख़ास करके जो जम्मू प्रोविंस है उसमें। लेकिन उसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि जैसे हमारे माइग्रेंट लेबर है, वो डिफरेंट स्टेटों से आई हुई है, यहाँ पर सदियों से आ रही है वो काम करने के लिए, अब उनके लिए थोड़ी सी परेशानी है क्योंकि उनके लिए काम बंद है, खाना नहीं है और जो सरकार की तरफ से उनके लिए कोई सुविधा खास नहीं की गई है। लिस्टें बनाई हैं, लिस्टें प्रोवाइड की हैं, अभी भी लिस्टें मांग रहे हैं कि जो जाने वाले हैं उनकी आप लिस्टें दे दो, कौन कौन कितने कितने किस स्टेट में जाना चाहते हैं। लेकिन वो बात की बात है कि कब जाएंगे, क्या प्रशासन उनको हुक्म देता है। आज उनके पास खाने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि कई लोगों के पास तो जो सरमायादार हैं या जिन्होंने काम किया होगा उनके पास पैसे होंगे, ज़्यादातर लेबर जो है वो उनके पास राशन की कमी है। सर, यहाँ पर सर एक सवाल हमारे मन सर, ये जो माइग्रेंट लेबर जो आप कह रहे हैं, कितनी माइग्रेंट लेबर सर आपकी वार्ड में इस समय मौजूदा, जो जिनको खाने पीने का जो राशन, जिस तरह से आपने कहा राशन नहीं उनको मिल रहा, कितनी लेबर सर, कितनी तादाद में लेबर जो सर आपके वार्ड में सर इस समय मौजूद है? मेरी वार्ड में जो मैंने पहले भी लिस्टें बना करके तहसीलदार साहब को प्रोवाइड की थी, जिसमें उन्होंने पहले डाटा मांगा था कि पूरा डाटा दे दो इनको कुछ पैसे के लिए या कुछ है, ये कोई नियर अबाउट 2000 के ऊपर ही है मेरे पास लेबर। और अलग अलग समूह में ये बैठे हुए हैं, लोकेलिटीज़ में बैठे हुए हैं वार्ड नंबर 49 में। तो अब 4 दिन पहले ही हमें ये आदेश मिला था कि इनकी एक डिटेल बनाई जाए कि कितने बंदे किस स्टेट में जाने वाले हैं। तो मेरे पास जो है वो मैंने पूरा वर्कआउट किया है, बाय नेम जो है लोकेलिटी से वो इनकी वो ली है, जिसमें से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो जिन्होंने ये वो फॉर्म भर के दिए हैं, जैसे बिहार से, बिहार के लिए मेरे पास 219 मेंबर जो हैं वो जाने के लिए बोला है, छत्तीसगढ़ के लिए 362 है, उत्तर प्रदेश के लिए 113 है, मध्य प्रदेश के लिए सबसे ज़्यादा हैं 793, झारखंड के लिए 16 हैं। तो ये लगभग 1504 के करीब हो, और भी हो सकता है कोई जाने वाले, लेकिन ये 1500 के करीब लेबर जो है सिर्फ मेरी वार्ड से जाना चाहती है। तो लगभग जो 1500 लेबर आपका कहना है जो आपकी वार्ड में, अभी तक मतलब किस तरह से इनको भेजने का आपने तैयारी कर ली है या तैयारी अभी की जा रही है इनको भेजने के लिए? देखिए, हमारे तरफ से तो कोई तैयारी नहीं है, तैयारी सरकार की होगी जैसे आदेश आएगा। हाँ, हमें ये आदेश मिला था कि जो जाने वाले हैं इनकी कम से कम ये मेंबर के हिसाब से हमें डिटेल दे दो, एक हेड मेंबर लिख करके उनका कॉन्टैक्ट नंबर और कितने मेंबर अलॉन्ग विद जाएंगे। तो वो हमने वो बना करके उसके पेपर जो बना करके जो है वो हमने सबमिट कर दिए हैं। तो ये एक समस्या है क्योंकि लॉकडाउन तो सबके लिए है। अब वो लोग जो हैं वो मांगने के लिए जाते हैं, राशन लेने के लिए जाते हैं, उनके लिए मजबूरी है, वो घर घर आ रहे हैं, अब उनको धक्के भी नहीं मार सकते। अब ये जो समस्या है ये गवर्नमेंट को मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट करें। जैसे हमारे बाहर के जितने भी लोग थे, स्टूडेंट थे या वर्कर थे, वो लाए हैं, तो इस प्रकार जो है मैं मरमू साहब से, LG साहब से ये निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ इनकी तरफ ध्यान दीजिए और जितनी जल्दी हो सकता है इनको अपने गाँव जो है, अपने स्टेट जो है वहाँ भेजिए, ताकि बाकी वाले जो लोग हैं वो डिसिप्लिन से रह सकें। और ये भी पता नहीं है ये कितनी लंबा चलेगा और इसका एंड क्या होगा, तो इसलिए यही है प्रकाशन इसका कि जितनी जल्दी हम इसका वो कर सकते हैं, प्रकाशन ले सकते हैं, यही प्रकाशन है कि घर में रहें। लेकिन हम लोग तो रह रहे हैं, लेकिन ये लोग मजबूर हैं और इनको जो है इनकी तरफ ध्यान दिया जाए। दूसरी बात,
कि हमारा जो हमारे भी जो लोग हैं, मैं ये कहता हूँ कि ठीक है लॉकडाउन ही इसका वो है, लेकिन हमारे जो लोकल लोग हैं वो भी गरीब हैं, वो भी दिहाड़ीदार लोग हैं, मजदूरी करते हैं, रेहड़ी लगाते हैं, दुकान छोटी मोटी दुकान चलाते हैं। अब वो चीज़ें सारी की सारी बंद हैं, अब उसमें उनको भी जो है प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरा ये एक मानना है कि कोई एक ऐसा क्राइटेरिया बनाया जाए जिसके तहत जो है लोगों को ये एहसास हो कि यार अगर हम ये प्रॉब्लम में हैं, सब प्रॉब्लम में हैं, तो हमें जो है वो गवर्नमेंट मदद भी कर रही है। जहां आपने सीधे सीधा देखा जम्मू म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेटर छन्नी रामा नुंजा वार्ड नंबर के कमल सिंह जम्बाल जी का सीधा सीधा प्रशासन से यही अपील है कि ये जो माइग्रेंट लेबर जो पूरे जम्मू तबके में जो वार्ड नंबर नुंजा में चाहे कहीं भी जम्मू कश्मीर की जो भी लेबर है, प्रशासन से उनकी अपील है कि इनको भेजने का जल्द से जल्द इंतजाम किया जाए, ताकि क्योंकि इस समय ये सभी मजदूर हैं, सुबह जब ये मजदूर दिहाड़ी में जाते थे शाम को घर वापस से लौटते थे वही ये दिहाड़ी लेके आते थे, जिसके कारण लॉकडाउन के चलते हुए पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से रोजगार बंद है, तो जम्मू कश्मीर में भी पूरा जो रोजगार है वो ठप पड़ा है। इनकी प्रशासन से अपील है कि जल्द से जल्द इनको बाहर भेजने का इंतजाम किया जाए, ताकि ये लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित पहुंच सके। फिलहाल कैमरामैन मंगल सिंह के साथ मैं अरुण, नॉर्थ न्यूज़ के लिए जम्मू से, धन्यवाद।